अस्सलामुअलैकुम, आप सबका मेरे YouTube चैनल मिफ्रास ब्लॉग वर्ल्ड पे वेलकम वेलकम वेलकम। और अब जो है आज हम बनाने जा रहे हैं आम की मैंगोस आइसक्रीम। तो अभी मैंने ले ली हैं 3 मैंगोस और अब मैं इसको कट करने के बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देखें गाइस, ये मैं आम कट कर रही हूँ। सो टेस्टी, आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। गाइस, एक आम के जो है ना, वो 2 पीस हम अलग कर लेंगे ऐसे काट के ना, उसका छिलका नहीं उतारेंगे। 2 या 3 पीस जो है वो हम अलग कर लेंगे और मैं ले रही हूँ 3 पीस, ठीक है। ये हमने 3 पीस अलग कर लिए, बाकी का छिलका उतार के हम इसका पेस्ट, मतलब पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। मैंगो शेक बना लेंगे इसका। गाइस, जो हमने आम के पीस जो है वो कट कर लिए, उसको हम डालेंगे ग्लेंडर में ही। इसको हम ग्लेंडर में डाल लें। गाइस, ये जो है मैंने ग्लेंडर में ले लिया और मैंने वहाँ तार लगा दिया। अब हम इसको, इसका शेक बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 किलो दूध। देखिए गाइस, इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा दूध डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये हमने देखें, अब इसमें हमने ग्लैंड कर लिया, अब इसको ग्लैंड करना है। इसमें हमने दूध डाल लिया, अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम ऐड करेंगे 1, 2, 3 and 1/2, ठीक है। 3 and 1/2 स्पून हम ऐड करेंगे शुगर, ठीक है। गाइस, हम इसको कर लेंगे ग्लैंड। गाइस, हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, देखो थोड़ा सा, आप देख लें कितना, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। बस देखें, इतना सही मैंने इतना लिया बस, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। गाइस, ये देखें कितनी गाढ़ी हो गया हमारा आम का शेक। ये शेक नहीं, लेकिन आइसक्रीम के लिए बनाया हमने, ठीक है ना। ये बहुत गाढ़ा हो गया है, तो उसको हम गाढ़ा ही रहने, ठीक है। इसके आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। गाइस, ये मैंने ली है मिल्क पैक की क्रीम भी है, ठीक है, और ये 200 ml होती है। मैं देखें गाइस, ये क्रीम है, ठीक है। मिल्क पैक की क्रीम ली हमने 200 ml वाली। देखें गाइस, ये जो है क्रीम जो है, मैं इसमें निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये हमने निकाल ली क्रीम। अब जो है 1/2 डब्बा निकाला हमने, ठीक है। 1/2 डब्बा हम साइड पे रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे। अभी देखें कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे पानी ऐड। पूरा डब्बा ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। देखें कितनी प्यारी तरीके से निकल रही है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। चले हम इसको हम पेस्ट करते हैं। अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेंगे, ताकि बिल्कुल जो है ना गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। ये हमने जो इसमें मिल्क शेक ये बनाया था, इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं, पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको साफ करते हैं हम, फिर दिखाते हैं आपको।
मॉर्निंग गाइस, हमने मैंगो का जो शेक बनाया था उसमें डाला है और हम इसको खिलाएंगे, ठीक है ना। जब तक खिलाएंगे जब तक ये बिल्कुल येलो ना हो जाए, ठीक है ना। गाइस ये देखें, ये जो है हम लोग कर रहे हैं मिक्स, और देखें बिल्कुल जो येलो कलर है ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसको एक टिफ़िन वगैरह में इसको हम रीस्टोर करेंगे, ठीक है ना। गाइस अब हम इसी को जो ये हमने बनाया है आइसक्रीम, इसको इसी बर्तन में हम करेंगे स्टोर, ठीक है ना। और जो हमने पीस जो 3 पीस जो काटे थे ना ये वाले, अब हम इसको आपको बताएंगे इसका क्या करना है, ठीक है ना। देखें गाइस ये मैंने कर लिया है इसको कटिंग पीस, अब मैं इसको कर दूँगी, इसको मैं यूँ करूँगी, ठीक है। और इसको इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है ना। देखें ये हमने दूसरा पीस भी कट कर लिया है, अब 3rd पीस। ये हम कर रहे हैं 3rd पीस कट, ठीक है। ये 3rd पीस भी कट हो गया, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, ये देखें, ठीक है ना। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स ताकि इसमें मैंगो के पीस जो हैं वो हमारे मुंह में आए, ठीक है ना। अब इसमें इसको स्टोर कर देंगे, अभी हम इसको डीप फ्रीजर के अंदर रख देंगे 5 आवर्स के लिए, ठीक है। ये हम रात में बना रहे हैं ताकि सुबह तक जो है फ्रीज हो जाए, ठीक है। आइसक्रीम जो है समर में लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम बाहर से जो है वो महंगी पड़ती है, और घर में हम ये फ्रेश क्रीम, मैंगोस, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हम बना सकते हैं मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। अब हम इसको करते रहते हैं डीप फ्रीज, हो चुके हैं और हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप लोग देख लें। ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई, कितनी यम्मी लग रही है ना, देखें। अब हम इसको कट करते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये हम कट कर रहे हैं, ये देखें, हम इसको कट करके एक बाउल में निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम देखें गाइस ये आइसक्रीम जो है हमने कट कर ली है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमने बाउल में निकाल ली, अब इसको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं फिर टेस्ट में कैसे लगती है, देखें आप लोग देखें कैसे लग रहे हैं। यम्मी है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल मिफ्रा ब्लॉग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह। देखें कितनी प्यारी लग रही है आइसक्रीम, है ना, यम्मी। हम लोगों ने बॉल में से निकाल के इसको टिफ़िन में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।